दोस्तों रशिया ने यूक्रेन का इतना टैंक्स चबाया है कि इन दिनों यूक्रेन टैंक्स के कमी से जूझ रहा है और जेलेंस्की साहब बार बार नाटो देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उन्हें जर्मन का लियोपार्ड 2 टैंक्स मिल सके। इस जर्मन टैंक को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट टैंक माना जाता है, लेकिन जब तक जर्मनी इस लियोपार्ड 2 टैंक को रूस यूक्रेन वार के लिए अप्रूव नहीं कर देता तब तक नाटो का कोई भी देश यह टैंक्स नहीं देने वाले। ऐसे में रशिया लियोपार्ड 2 टैंक से निपटने के लिए T-90M वेरिएंट को डेवलप कर रहा है, क्योंकि रशिया के T-72 और T-90 टैंक्स युद्ध के दौरान पूरी तरह से फेलवर साबित हो रहे हैं और रशिया के पास यह टैंक्स इतने तादाद में है जो पूरे नाटो देशों के टैंकों से ज्यादा है, क्योंकि अभी के युद्ध ज्यादातर समतल भूमि में ही हो रहे हैं जिसके चलते टैंक्स वार में रशिया के सामने यूक्रेन झुकने में मजबूर हो चुका है। लेकिन अब जर्मनी ने लियोपार्ड 2 टैंक्स की मंजूरी दे दी है जिसके चलते नीदरलैंड पोलैंड जैसे देश अब यूक्रेन को यह टैंक्स दे सकते हैं और इन टैंक्स की मदद से अब यूक्रेन रशिया को अच्छी तरह से काउंटर कर पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।